नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी जी के विशेष कृपा प्राप्ति हेतु कौन सा ऐसा विशेष उपाय को अपनाया जाए, और खास करके दुर्लभा पौधा से संबंधित। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल किए हैं, जो पंडित जी हमें बताइए, जो दुर्लभा का पत्र चढ़ा करके, दुर्लभा का दल चढ़ा करके जो है माता लक्ष्मी जी को हम कैसे प्रसन्न करें। क्योंकि उड़ीसा में आप देखेंगे तो अधिक मात्रा में आप देखेंगे, माने बहुत लोग ऐसे हैं जो कि दुर्लभा पत्र चढ़ा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये दुर्लभा आखिर है क्या, कौन सा ये पौधा है? तो मैं आपको बता दूं, दुर्लभा का जो पौधा है इसको इंग्लिश में बेजिल बोलते हैं, BASIL, ये इसका स्पेलिंग रहता है। बेजिल भी बोलते, कितने आदमी बेसिल भी इसको बोल देते हैं, तो बेसिल प्लांट या बेजिल प्लांट, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो जिसको यहाँ पर में दुर्लभा पत्र बोला जाता है, दुर्लभा पौधा बोला जाता है। इसका कदकाठी, जैसे तुलसी का कदकाठी होता है, इसी प्रकार से इसका भी कदकाठी होता है। पत्ता ही थोड़ा बहुत समान ही रहता है, कुछ अंतर में रहता है। दुर्लभा का पत्ता थोड़ा बड़ा आकार का होता है, तुलसी का पत्ता जो है थोड़ा छोटा आकार का रहता है। सुगंध दोनों में अलग अलग है, यानी खुशबू तुलसी का कुछ अलग है और दुर्लभा का खुशबू कुछ अलग होता है। जैसे राम तुलसी श्याम तुलसी बोलते हैं, यानी काला तुलसी और सफ़ेद तुलसी बोलते हैं, उसी तरह से दुर्लभा में भी सफ़ेद दुर्लभा है और फिर काला दुर्लभा है। लेकिन इसका मंजरी अगर आप देखेंगे तो पूरा सेम सेम आपको लगेगा। तो इसी प्रकार का ये दुर्लभा का पौधा होता है। तो हम ये दुर्लभा का दल या पत्ता चढ़ा करके माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, तो इसी के विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए अब हम इस उपाय के बारे में देखते हैं कैसे किया जाता है। अगर आपको विशेष कृपा प्राप्त करना है माता लक्ष्मी का, वैसे देखिए जरूरी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है जो हम इतना सारा दुर्लभा का पत्ता ले आवें और काम धाम छोड़ करके हम अपने घर में बैठ जाएं, लक्ष्मी जी पर में चढ़ाते रहें और कहीं पर में नौकरी ना करें, बिजनेस नहीं करें, कोई काम ना करें और फिर सोचेंगे माता लक्ष्मी हमको आकर के यहाँ पर में धन का वर्षा करती रहेगी। नहीं, ये सोच हो सकता है आपका गलत साबित हो जाए। तो आप अपना काम धाम मत छोड़िए। कहा जाता है ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कर्म ही विश्व को चलाता है, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अगर कर्म कर रहे हैं फिर भी फल नहीं पा रहे हैं, आप मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में ये उपाय एक रामबाण जैसे साबित हो जाता है, यानी काफ़ी कारगर साबित हो जाता है। तो आप इस उपाय को जरूर एक बार आजमा करके देखिएगा। तो कैसे उपाय करना है आपको, तो जैसे रोजमर्रा में आप घर का पूजा आदि करते हैं, उसी तरह से सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर में जो है बैठ जाएं, पूजन पाठ कर लें अपने सारे देवी देवता का। अगर सारे देवी देवता का नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप लक्ष्मी जी का करें, क्योंकि ये तो प्रयोग लक्ष्मी जी से संबंधित है, तो आप लक्ष्मी जी का आप कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे आपके घर के पास में अगर कोई मंदिर हो तो वहाँ भी जा करके आप कर सकते हैं, तो अपने घर में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मंदिर बना करके नहीं रखे हुए हैं, भगवान का स्थान कोई बना करके नहीं रखे हैं, तो भी इस उपाय को किया जा सकता है। आप मार्केट चले जाएं, वहाँ से माता लक्ष्मी का एक तस्वीर ले आवें या मूर्ति ले आवें और फिर इस उपाय को आरम्भ करें। मित्रों ध्यान रखिएगा, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये उपाय आरंभ करना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से जो है, किसी भी महीना का शुक्ल पक्ष हो और उसका शुक्रवार से आरंभ करना है। ये नहीं होना चाहिए जी ये शुक्रवार करें या वो शुक्रवार, नहीं, किसी भी शुक्रवार को ये चीज़ आप आरंभ कर सकते। कैसे करेंगे आरंभ करेंगे, तो आप ध्यान में रखेंगे जो अपना वस्त्र पीला होना चाहिए, अपना आसन भी पीला होना चाहिए और माता लक्ष्मी का भी आसन जो है ये पीला होना चाहिए, यानी पीला कलर होना चाहिए। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे ना, हो सकता है पहले से आपको पता हो, पीला कलर माता लक्ष्मी को बहुत मन पसंद पड़ता है। पीला फूल, पीला आसन, पीला वस्त्र उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय वस्त्र है, ये प्रिय कलर है, प्रिय रंग है, तो माता लक्ष्मी जी को भी बहुत पसंद पड़ता है। तो इसी कारण से उनको भी पीला जो है
वस्त्र धारण करावें, उनका आसन भी पीला होना चाहिए, पीला चंदन लगा करके पूजन करें, पीला फूल अर्पण करके उनका पूजन करें। आप ये पूजन अपना कर लें, अब उसके बाद में ये आप प्रयोग आरंभ करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में पीला फूल से पूजन करने के बाद, पीला फूल में आप कनेर फूल भी ले सकते हैं, पीला चंपा फूल भी ले सकते हैं, जो आपके पास में उपलब्ध हो, तो पीला रंग का फूल से उनका पूजन कर लीजिए, पीला चंदन लगा लीजिए, उनको लगा दीजिए, पीले आसन पर में बिठा दीजिए, धूप दीप जला लीजिए। जब पूरी तरह से ये श्रृंगार उनका हो गया, उसके बाद में आप ये दुर्लभा पत्र का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, तो दुर्लभा का जो दल है, जैसे तुलसी का दल होता है, उसी तरह से दुर्लभा का दल जो है आप रख लीजिए 16 पीस अपने पास में। और श्री सुक्त जो माता लक्ष्मी का है, आप सुने होंगे ना, श्री सुक्त होता है, लक्ष्मी सुक्त होता है, तो आप मोबाइल में भी सर्च करेंगे, वैसे भी कंप्यूटर में भी सर्च करेंगे नेट पर में, तो आपको वहाँ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जो श्री सुक्त क्या होता है। वैसे हो सकता है आपके घर में पहले से ही पुस्तक हो, नहीं हो तो मार्केट में भी इसका पुस्तक मिल जाता है, श्री सुक्त का पुस्तक ले आवें। श्री सुक्त का जो मंत्र है, 1 से लेकर के 16 तक का मंत्र का आप प्रयोग करेंगे, 1 से 16 तक का मंत्र का प्रयोग आप करेंगे। तो एक मंत्र पढ़े, यानी एक श्लोक पढ़े, हिरण वर्ण हिरणी सुवर्ण रहता चंद्रंग हिरण में लक्ष्मी जात वेदो माभा, इस प्रकार से जो मंत्र दिया गया है, तो आप एक मंत्र आप पढ़ें और एक दुर्लभा का दल उठाए माता लक्ष्मी जी के ऊपर में आप रख दिए, फिर एक मंत्र पढ़े, एक उठाए रखे। तो अगर दल आपके पास में है 16 पीस, तो आप उनको चढ़ा करके प्रति शुक्रवार को आप करेंगे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 16 शुक्रवार करना है, और अगर मैक्सिमम आपको करना है अधिक से अधिक, तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो 16 शुक्रवार दिन तक जितना भी डे आवे, चाहे वो शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, जो भी आवे, 16 शुक्रवार जब तक नहीं हो जाता, तब तक जो है आप पूरा जो है रोज जो है आप थोड़ा समय निकाल करके इसको करना आरंभ कर लीजिएगा। देखिएगा आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग इसको अजमा करके भी देखे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो दुर्लभा अगर आपके पास में उपलब्ध है, तो इस प्रकार से दुर्लभा का आप प्रयोग कर सकते हैं। कितने आदमी एक और उपाय करते हैं, वो भी उपाय का मैं आपको मैंने आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, आप इसको भी ध्यान में आप रखिएगा, दुर्लभा पत्र से और किस प्रकार से उपाय किया जाता है। कितने आदमी क्या करते हैं ना, तो चंपा, पीला चंपा ले आते हैं, उसका आसन बना लेते हैं, उस आसन के ऊपर में पीला चंपा का आसन बना करके माता लक्ष्मी का प्रतिमा स्थापित कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर में जो है जिस प्रकार से हम आपको बोले ना, पीला चंदन चढ़ा करके, पीला फूल चढ़ा करके, ये सबसे पूजन करने के बाद में जो है कमल का फूल, 16 कमल का फूल लाते हैं, 16 कमल फूल उन पर में चढ़ाते हैं, यही लक्ष्मी जी के ही मंत्र से, श्री सुक्त के मंत्र से उन पर में 16 कमल का फूल चढ़ा देते हैं, और उसके बाद में फिर जो है 108 बार जो है ओम ह्रीं लक्ष्मी नमः, और एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके जो है उनके ऊपर में एक एक पत्ता 108 दुर्लभा का पत्ता लोग चढ़ा करके पूजन करते हैं। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। तो दो प्रकार का उपाय हम आपको बताएं, जो आपको अच्छा लगे आप इसको जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा उपाय है, सरल उपाय है, और जरूरी नहीं है आप उपवास रख करके ही करेंगे, जब तक पूजा नहीं किए हैं सुबह में तब तक आप उपवास में रहिए, बिना खाए पिए कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो इच्छा आप खाइए। तो आप जो है इस प्रकार से अगर कुछ दिन करेंगे, तो आप देखेंगे आपका मेहनत के हिसाब से जो नहीं मिल रहा है वो मिलना भी आरंभ हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी के विशेष कृपा आपको जरूर मिलना आरंभ हो जाएगा। तो मित्रों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और राम राम।